कल हमने डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल फॉर्मूलेस पढ़े थे उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं ठीक है ना तो कल जैसे हमने क्या कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशन रहे थे वट इज डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज एक्स को चेंज करने पर वाई में क्या चेंज आएगा एक्स के यूनिट चेंज करने पर वाई में कितना चेंज आएगा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विध रिस्पेक्ट टू एक्स जबकि एक्स में आने वाला चेंज स्मॉल था ठीक डी वाई टी एस का मतलब था Physics में हमने समझा था, एक o था, एक A है एक B है। तो ये वाला A, वाला ये बी था ना ओ से ए का जो डिस्टेंस था वो हमने एस वन कहा था टाइम टी वन लिया था ओ से बी तक का जो डिस्टेंस था वो एस टू था और टाइम टी टू लिया था तो ए से बी तक का डिस्टेंस एस टू डेल्टा एस मतलब एस टू माइनस एस वन ए से बी तक का टाइम टी टू माइनस टी मतलब डेल्टा टी तो ए से बी तक आने में जो टाइम लिया वो डेल्टा टी लिया डिस्टेंस कितने कवर किया डेल्टा एस तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया डेल्टा एस तो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे भाई डेल्टा एस अपन डेल्टा टी तो व्हाट इज डेल्टा डेल्टा टी यूनिट टाइम में आने वाला चेंज इफ डेल्टा एस टेंस डेल्टा टी टेंस टू जीरो अगर मैं कहूं कि डेल्टा टी टेंस टू क्या हो जीरो इफ डेल्टा टी टेंस टू जीरो अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो देन आपका जो ये फॉर्म बन जाएगा वो क्या बन जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और ये किसका हो जाएगा भाई हमारा डी एस अपॉन डी टी तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी भी चेंज है डी एस अपन डिटी भी चेंज है तो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी और डी एस अपन डिटी में क्या अंतर है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जो है वो एक ऑर्डिनरी चेंज है यहाँ पर डेल्टा बहुत माइन्यूट नहीं है जबकि डी एस अपन डी टी डेल्टा एस अपन डेल्टा टी ही से निकल के है जबकि डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा टी का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो डिस्टेंस डिफरेंस भी क्या होगा बहुत छोटा होगा तो इट इज डी एस अपॉन डी टी एंड दिस इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी

कि y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई बेस पर x है तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकलेगा जब एक्स के चेंज करने वाई में चेंज आया तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई विध रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज एक्स में चेंज करने पर वाई में आने वाला चेंज तो डी बाई डी एक्स और वाई कितना है लॉग ई बेस पर एक्स लॉग ऑफ ई बेस पर एक्स हो गया तो इसका फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स याद रखना ये फॉर्मूला किसका है लॉग ई बेस में एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन अपॉन एक्स एक्स की पावर एन का डिफ्रेंसिएशन एन एक्स की पावर एन माइनस होना तीसरा केस बहुत सारे फॉर्मूले हैं तीसरा करते हैं y तो डी बाई डी बाई डी एक्स है तो डी बाई तो करेंगे तो डी बाई डी एक्स और वाई के जगह में कितना रहेगा भाई आपका साइन एक्स तो साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना रहा भाई हमारा कॉस एक्स तीसरा फॉर्मुला एक फॉर्मुला और डिस्कस कर लेते हैं और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं तो अगर y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x तो d, y by dx हो तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन एक्स एक बात याद रखिए यहाँ मैथमेटिक्स में हम इन फॉर्मलों को ड्राइव नहीं करेंगे हालांकि इसको मैंने कल ड्राइव करने की कोशिश करा था बाकी फॉर्मूले आप फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे इनको आप मैथमेटिक्स वाले पढ़ेंगे बायोलॉजी वाले जितने बच्चे हैं इन फॉमलों को याद रखे रहेंगे कि उनका यूज़ होना है

ठीक है वाई इक्वल टू टेन एक्स होता तो एक्स का फंक्शन होता डेफिनेटली यस yes. तो उस केस में एक्स के चेंज अगर वाई इक्वल टू मैं टेन एक्स लिखता तो एक्स के चेंज करने पर वाई में चेंज आता तो वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होकर कुछ ना कुछ चीज निकलती y equal to c हम लोगों ने कहा वाईक्वल टू सी मतलब c क्या है अपना कांस्टेंट है x की वैल्यू अगर चेंज भी कर देंगे तो भी y की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा मतलब x में चेंज करने पर y में change नहीं आ रहा है तो dy कितना हो जाएगा डी वाई क्या पता लगा किसी भी कॉन्सटेंट टर्म का डिफ्रेंशियन जो होता है वो जीरो होता है ठीक है कुछ हम याद रखते हैं एक्स की पावर एन का कितना है एन एक्स की पावर एन वाई

डी वाई बाई डी एक्स मतलब से ए तक टाइम कितना लगा अच्छा एक सवाल करते हैं सवाल के मैं काम करता हूँ मैंने एस इक्वल टू फोर टी स्क् लिख दिया तुमने कहा सर ये क्या मैंने कहा एस s फोर टी स्क् एक फंक्शन है टी इज एस इज डिस्प्लेसमेंट t बराबर जीरो में अगर यहाँ पर t इक्वल टू जीरो रखोगे तो x जीरो आएगा t इक्वल टू वन रखोगे तो s आपका फोर वन जा फोर टी इक्वल टू रखोगे तो टू का स्क्वायर फोर 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 सिक्सटीन यानी कि t बढ़ते रहेगा तो s बढ़ते रहेगा आप भाई आपका टाइम बढ़ रहा है s बढ़ रहा है तो क्या पता लगा इन दिस दिस एम्प्लाइज दैट s इज द फंक्शन ऑफ t तो s यहाँ पर t का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर टाइम का फंक्शन है मतलब टाइम पर अगर चेंज होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होते रहेगा ठीक है तो इसका मतलब यहां पर एस का वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में अगर एस का वैल्यू टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो टी के चेंज होने पर s में हाँ तो डिफ्रेंसिएशन के टर्म में क्या लिखेंगे डी एस अपॉन डी टी दैट इज चेंज इन एस विध रिस्पेक्ट टू टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एस विध रिस्पेक्ट टू टी वे डी टी इज इनफाइनाइटली इनफाइनाइट स्मली स्मॉल चेंज डी एस डी टी डिशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू टी तो d अपॉन dt और s का वैल्यू कितना है फोर टी लिख दिया ना अब देखिए जो कांस्टेंट अगर अकेले होता तो सीधे जीरो होता लेकिन यहाँ पर 4 t square, तो इस 4 जो t जुड़ा हुआ है लिखा t बचेगा। t मतलब पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन सर ये तो एक्स की पावर एन था तो भाई वाई भी तो एक्स का फंक्शन था यहाँ पर क्या है टी की पावर टू और एक्स की फंक्शन है टी का तो टी की पावर टू का फॉर्मला क्या होगा देखो फोर तो बाहर से है एन कौन बना टू टी की पावर 2 1 तो फॉर्मूला कितना होगा 4 2 8 t की पावर 1 तो 8 ही नहीं आ गया तो ds dt तो अगर ऐसे ये है तो ds dt है अब आगे जाके देखेंगे ds dt अपना क्या होगा वेलोसिटी होता तो है तो दूर की बात है ठीक है तो x की पावर का डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx की पावर n 1 साइन x का डिफरेंशिएशन cos x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस सैन एक्स लॉग ई बेस पर x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x sec x का डिफरेंशिएशन sec x sec x tan x बहुत सारे फॉर्मले और हम आगे नहीं जा रहे हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो का कोई चीज़ कांस्टेंट है तो उसमें चेंज आएगा ही नहीं डिफरेंशिएशन एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए आप कुछ सवाल इसे कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं पहला क्या है मैंने कहा एक सवाल करते हैं वाई इक्वल टू एक्स की पावर फोर को डिफ्रेंशिएट करते हैं पहला वाई इक्वल टू एक्स की पावर फोर को डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरा वाई इक्वल टू एक्स की पावर माइनस फोर को डिफ्रेंशिएट करते हैं तीसरा वाई इज इक्वल टू फोर अंडर रोड एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तीन सवाल हैं यहाँ मैंने तीन तीन लिखे हैं पहला दूसरा और तीसरा फर्स्ट सेकेंड और थर्ड देखिए वाई इक्वल टू एक्स की पावर फोर y equal to x to the power 4 ठीक है y is the function of x तो dy by dx कितना होगा dy by dx कितना होगा dy by dx है d dx और y की जगह में कितना आ गया x to the power 4 x की पावर n क्या फॉर्मूला होता है n हाँ याद होगा x की पावर n minus 1 means 4 x cube तो अगर y इतना है तो x के रिस्पेक्ट में उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना हो गया 4 x cube ठीक है अच्छा यहाँ फोर तो यहाँ बाई डी एक्स निकालते हैं तो dy डी एक्स बताइए कितना डी वाई बाई डी कितना होगा डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स नहीं दिख रहा डी वाई और वाई कितना है भाई वाई जो है वो है एक्स की पावर माइनस फोर तो इस वाई की जगह पर मैंने एक्स को माइनस फोर रख दिया डी वाई डी एक्स ठीक है अब एन एक्स की पावर एन माइनस वन एन कितना बना है माइनस फोर एन एक्स की पावर एन माइनस वन एन माइनस फोर माइनस वन तो कितना होगा भाई आपका माइनस फोर एक्स की पावर माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव या आप इसको माइनस फोर और एक्स की पावर माइनस फाइव अपॉन में आएगा तो एक्स की पावर फाइव हो गया तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई अच्छा अब यहाँ है वाई इक्वल टू फोर रूट एक्स रूट एक्स को हम लोग क्या ले सकते हैं फोर एक्स की पावर हाफ फोर एक्स की पावर हाफ तो क्या निकालना है भाई हम लोग हम लोग निकालना है बाई डी एक्स डीवाई बाई डी एक्स मतलब डी बाई डीएक्स ऑफ फोर एक्स की पावर हाफ देखिए फोर कॉन्स्टेंट है और एक्स वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो फोर बाहर आएगा फोर अकेला होता उसके साथ एक्स नाम की चीज नहीं होती तो एक कॉन्स्टेंट हो जाता तो डायरेक्ट इसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है जीरो लेकिन अभी ये फोर वेरिएबल के साथ है तो जीरो नहीं होगा फोर इस सिंबल से कहाँ आएगा बाहर आएगा तो फोर बाहर आ गया यहाँ कितना बचा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर हाफ फॉर्मूला क्या है एन एक्स की पावर एन माइनस वन तो फॉर्मूला जो हमारा है वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन है तो एन कितना फोर तो फोर है एन कितना बनाया जी हमारा हाफ एन एक्स कितना एक्स एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस वन तो हाफ़ माइनस वन हाफ़ माइनस वन कितना होगा हाफ माइनस वन होगा माइनस हाफ तो देखिए टू से फोर करके टू टाइम्स टू तो रहा ही रहा टू टू जो फोर तो एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस वन प्लस माइनस वन हो गया माइनस हाफ ये हो गया आपका टू और माइनस हाफ जो अपॉन में जाएगा तो एक्स की पावर प्लस हा बन के जाएगा प्लस हाफ मतलब रूट एक्स तो डीवाई बाई डी एक्स कितना है इतना इतना तो दी वाई दी इतना। तो इन तीनों जो सवाल हम लोगों ने किए किस में वेस्ट किए ये फॉर्मूला था इफ एक्स इक्वल टू इफ एक्स इफ वाई एक्स की पावर एन तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है dy वाई बाई जो होता है वो कितना होता है अभी हमारा एन एक्स की पावर n माइनस वन फॉर्मूला साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स इन सब को भी हम करेंगे अब कुछ बेसिक रोल करते हैं अब मान लीजिए कि दो फंक्शन है एक एफ वन और एक एफ टू दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में y इस तरीके का कुछ अब बड़े कंफ्यूजन में पूछ लूंगा सर ये क्या चीज है एफ वन ये क्या चीज हो गई मतलब कुछ इस तरीके से y बेस पर e x वाई साइन एक्स दूसरा फंक्शन ऐसे फंक्शन आपको मिलेंगे ये है एफ एन एक्स इंटू एफ टू एक्स अगर वाई जीवल टू लॉग ई बेस पर एक्स अपॉन साइन एक्स होता तो फंक्शन क्या होता वाई जीवल टू एफ एन एक्स अपॉन एफ टू एक्स मतलब ये एक्स का फंक्शन ये भी एक्स का फंक्शन लेकिन दोनों एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं लेकिन अलग अलग तरह से डिपेंड कर रहे हैं ठीक है अच्छा वाई इज इक्वल्स टू अगर लॉग ई बेस पर एक्स प्लस साइन एक्स या लॉग ई बेस पर एक्स माइनस साइन एक्स होता तो उसको कैसे लिखते जी उलता कैसे लिखते उसको लिखते हैं हम लोग वाई इज इक्वल्स टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स तीन तरीके की फॉर्म आ गई एफ एन एक्स प्लस एफ टू एक्स इस टाइप का दो एक्स के अलग अलग फंक्शन सब एफ एन एक्स अपॉन एफ टू एक्स इस तरह के फंक्शन जो डिवीजन में है f1x f2x यानी कि x के दो अलग-अलग फंक्शन -अलग जो मल्टीप्लाई में अलग-अलग फंक्शन -अलग फिर समझना ये x की वैल्यू चेंज करने पर क्या log e बेस में चेंज होगा यस साइन x की साइन x में x की वैल्यू चेंज करने पर ये चेंज होगा डेफिनेटली यस लेकिन एक जैसे चेंज नहीं होंगे ना दोनों x पे डिपेंड कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग तरीके से डिपेंड कर रहे हैं एक जैसा फंक्शन नहीं है ठीक है ना तो सिंपल सी बात है दोनों एक्स की डिपेंडेंसी है लेकिन फंक्शन अलग अलग है तो एक्स वन फंक्षन दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन दो फंक्शन दो फंक्शन अगर इस टाइप के सवालों में डिफ्रेंशन करना हुआ ठीक है अब एक काम करते हैं थोड़ा इजी करते हैं फंक्शन ऑफ पहले फंक्शन वन को मैं यू मान लेता हूँ ऐसा आसानी होगा एफ टू एक्स दूसरे फंक्शन को मैं वी मान लेता हूँ ऐसा मैंने मान लिया ऐसा मान के फायदा क्या होगा जैसे मैंने कहा d बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी दोनों x के फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करना है प्लस में या फिर माइनस में तो इसमें क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन सीधे बढ़ जाता है मतलब d बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी कब जब दो एक्स के फंक्शन किसमें थे से तो डायरेक्ट हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स और डी बी बाई डीएक्स माइनस में अगर होता दी दी अगर दो के अलग -अलग में होते, तो वहां पर भी बाई डी एक्स यू के समझ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी तो ये दोनों इजिली बढ़ गए मतलब देखिए क्या इसको सवाल समझते हैं मैंने कहा कि वाईक्वल्स टू तो साइन एक्स प्लस लॉग एक्स है नहीं समझे मैं आपको फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स एक्स का फंक्शन है पे डिपेंड कर रहा है। log x, x का है, वो भी एक्स पे डिपेंड कर रहा है। आपको भाई है। तो नाउ क्या है आपको क्या? भाई आपको निकालना है क्या नाउ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी बाई डी एक्स और वाई कितना है बताइए साइन ऑफ एक्स जिसको हम यू से कंपेयर कर सकते हैं प्लस लॉग ऑफ एक्स जिसको हम लोग वी से कंपेयर कर सकते हैं तो ये यू है ये वी है तो डी बाई डी एक्स क्या होगा भाई आपको मालूम है तो सर बढ़ जाता है क्या हो जाता है हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स कौन sin x, तो D Dx sin x आ गया प्लस जो है डी बाई डी एक्स ऑफ कितना कितना डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स है फॉर्मूला Log x का का फॉर्मूला क्या होता है x होता है तो डी वाई बी डी एक्स नहीं आ गया इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक plus, कुछ मान लीजिए x प्लस लॉग एक्स ही कह दीजिए ये है तो ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन इसको एज ए यू कह सकते हैं ये v हो गया या एक्स स्क्वायर कह दीजिए

डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बनाए एन एक्स की पावर एन माइनस वन और लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है वन अपॉन एक्स तो कितना भी टू एक्स की पावर टू माइनस वन टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये क्या निकल आ गया डी बाई डी कब जब आपका वाई दो फंक्शन के सम था एक्स स्क्वायर प्लस सुनारी बात नहीं आ रहा है ना चलिए सॉल्व करते हैं अगर y इज इक्वल्स टू फोर एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर एट हो तो, तो, तो एक ही फंक्शन है।, हाँ, है लेकिन आप इसको u और इसको ये भी दो अलग अलग है अब इसको डिफ्रेंस करेंगे तो क्या होगा भाई बताइए डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स और वाई कितना है यहाँ पे वाई है फोर एक्स की पावर थ्री प्लस एक्स की पावर एट क्या होगा डी बाई डी एस बटेगा कितना पावर थ्री प्लस एक्स की पावर एट ये बटेगा ये दूजा दूजा आएगा तो डी बाई डी एफ बटेगा ना सम में डी बाई डी एक्स ऑफ कितना फोर एक्स की पावर थ्री प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स की पावर एट समझ रहे हैं अब देखो अब यहां से अब हम लोग धीरे धीरे ओरल करना शुरू करेंगे आप स्टेप को फॉलो करेंगे तब करेंगे ना? इतना है। अब क्या है, दी दी एक्स फोर एक्स तो फोर है लेकिन फंक्शन के साथ है तो इसलिए फोर डी वाई डी एक्स के बाहर आ जाएगा फोर बाहर आ गया अंदर कितना बचा डी वाई डी एक्स ऑफ कितना एक्स की पावर थ्री प्लस यहां पर कुछ नहीं है तो डी

एक्सक्वा एट एक्स की पावर एट माइनस वन सेवन प्लस एट एक्स की पावर सेवन कब जब वाई इस तरह तो कौन सी फॉर्म हो गई भाई जब दी? जब डी हमको दो अलग अलग फंक्शन का सम और अलग अलग फंक्शन का डिफरेंस दिया होगा तो वहां पे डिफ्रेंसिएशन जो है वो डायरेक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अच्छा अगर सवाल इस तरीके से हो जाए वाईक्स विस एक्स पर डिपेंड करने वाला कोई फंक्शन और uh, कुछ भी मान लीजिए साइन एक्स सर ये क्या है ये भी एक्स में डिपेंड कर रहा फंक्शन सर पिछले बार भी तो ये लिखा था आपने कहा ये लेकिन यहाँ पे जो थे दोनों जो थे वो किस में थे भाई सम में थे तो ये फॉमला करता यहाँ पर दोनों किस में आ गए मल्टीप्लाई में तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं यू इसको हम लोग क्या मान लेते हैं फिर या फंक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स इट इज सेकेंड फंक्शन ऑफ एक्स अब दोनों फंक्शन किस में है मल्टीप्लाई में है आप अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे तो वहाँ फॉर्मूला क्या होगा भाई इसको वाई इसको हमने पहले क्या माना था यू यू ही मान लेते हैं इसको क्या माना था वी तो यू इंटू वी दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या है अब इसको आपको याद रखना पड़ेगा डी वाई बाई डी और वाई किसके बराबर है वाई है यू इंटू कितने फंक्शन दो फंक्शन अगर सम होता डाइट तो बढ़ जाता यहां पर मल्टीप्लाई में है तो आप ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या है दो फंक्शन में होंगे फर्स्ट फंक्शन ऑफ़ फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन भी और डी बाई डीएक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन यू तो इट इज डी बाई कब वेन टू फंक्शंस आर इन मल्टीप्लीकेशन अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो उनका डिफरेंशियन कितना होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंकेंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कब जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होंगे और आपको उनका डिफ्रेंशिएट करना होगा तो आप डिफ्रेंसिएशन को सीधे नहीं बांटेंगे किस तरीके से करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इन टू ऑफ फर्स्ट फंक्शन टू फंक्शन फंक्शन साल

सम में दिया है तो सिद्ध डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स लेकिन अगर मल्टीप्लाई में दिया है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट सेकंड किसी को भी मान सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इसका डिफरेंसिएशन प्लस ये वैसे तोड़ जाएगा डिफ्रेंसेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन देखिए इसको करते हैं इसी से वालो करते हैं देखिए एग्जांपल इसी से वॉलो करते हैं वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस में एक्स इंटू साइन एक्स है ठीक है क्या निकालना है भाई हम लोगों ने हम लोगों ने निकालना डीवाई बाई डी एक्स कितना डी बाई डी एक्स ऑफ किस का लॉग ऑफ ई बेस पर एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स कितने फंक्शन हैं दो फंक्शन और दोनों फंक्शन सम में है सम में होते माइनस में होते तो डीवाई डी एक्स ऑफ इतना प्लस डीवाई डी एक्स ऑफ इतना लेकिन इनटू में है है क्या फर्स्ट फंक्शन कौन है फर्स्ट फंक्शन ऑफ बेस पर और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन है ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है e function, ना इंटू डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन

एक और कर बेस में इसी पर अगर y टू लॉग एक्स क्या बन गया फर्स्ट फंक्शन क्या बन गया सेकंड फंक्शन व्हाट इस फॉर्मुला और दोनों फंक्शन सम में है या डिफरेंस में है, या मल्टीप्लिकेशन में, है? में है. तो क्या बनेगा फर्स्ट फंक्शन इंटू ऑफ सेकेंड फंक्शन सा प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन कब जब दो फंक्शन किस में दिए होंगे आपको मल्टीप्लीकेशन में दिए होंगे अगर दो फंक्शन सम में दिए होते तो डिफरेंसिएशन सीधे बढ़ता दो फंक्शन डिफरेंस में दिए होते तो भी हम डायरेक्ट डिफ्रेंसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फिर डायरेक्ट नहीं होता है फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसियन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अगर डिवीजन में होता तो उसका एक फॉर्मूला और है जो सबसे लास्ट के सामने पढ़ना है डी वाई बाई डी एस कितने फंक्शन है जी हमारे पास दो तो फर्स्ट फंक्शन किसको मान लीजिए थ्री एक्स स्क्वायर इन टू डी वाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन कौन है भाई लॉग ई बेस पर एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन वैसे उतर कर आ गया और डी dx डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन होगा बेटा आपका थ्री एक्स स्क्वायर नहीं असल में थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसी था और लॉग एक्स का डिफ्रेंशन हो गया वन अपॉन एक्स प्लस लॉग ई बेस पर एक्स वैसी रहा थ्री एक्स स्क्वायर में थ्री कॉन्स्टेंट है फंक्शन के साथ है बाहर आ जाना है ठीक है ना और एक्स स्क्वायर की पावर एक्स की पावर कितनी है टू टू एन एन एक्स की पावर एन माइनस ये तो फॉर्मला था ना तो कितना का बेटा आपका एक्स एक्स कट गया तो कितना बचा थ्री प्लस थ्री टू जा सिक्स सिक्स को आगे लिख लेते हैं लॉग ऑफ ई बेस पर एक्स इंटू एक्स ठीक है ना तो ये क्या बेटा आपका आंसर कब जब फंक्शन इस तरीके का ठीक है ना डिवीजन वाला भी मेरे को बताना था अभी कोई मेहमान अभी देखते हैं सो सोचो कल करेंगे इसका तो आगे ठीक है तो आप इसको नोट कीजिएगा तो हमने आज क्या सीखा डिफरेंस फिर सीखा है कल भी डिफरेंस करेंगे और परसों से हम लोग कहाँ चलेंगे मोशन इन ए स्टेट है ठीक है ध्यान दीजिएगा बेटा आपसे तो मैं कंटिन्यूसली आपके वीडियोज देते रहूँगा ठीक है गैप नहीं देंगे डेली देते रहेंगे तो प्लीज़ घर में पढ़ाई कीजिए नहीं आएगा उसको आप डिस्कस दोबारा पूछ सकते हैं बेफिक्र होकर दोबारा व्हाट्सअप कीजिए लेकिन काम सभी लोग अपने कीजिए तभी आपकी प्रैक्टिस बनेगी ठीक है